तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। भाई बारिश का माहौल चल रहा है और ऐसी बारिश शायद बहुत समय बाद आई है जो नुकसान ज्यादा कर रही है। प्रलय का वो हिसाब किताब देखने को मिल रहा है जिसके बारे में सुना करते थे और बहुत लोगों से भाई क्षति हो रही है, बहुत लोग बहुत कुछ खो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सेफ होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। नहीं होंगे तो भाई साहब अपनी सुरक्षा जरूर करके रखें क्योंकि ये बारिश का माहौल भयंकर चल रहा है। भाई पानी जहाँ तहाँ भर रहा है और बहुत लोगों को ढेर सारा नुकसान हो चुका है अभी तक, और अभी भी बारिश स्टिल बाकी है। बाकी बात करते हैं भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। हाँ भाई, बारिश की वजह से लाइट वाइट का बहुत प्रॉब्लम था, दो दिन से ढंग से कोई काम हो नहीं पा रहा था। ऑन टाइम जो काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि एपिसोड 4 के लिए भाई मैं बहुत एक्साइटेड था और यहाँ मंडे से ही भाई जबरदस्त बारिश हो रही थी जिस वजह से लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर भी डाउन हो गया था, तो बहुत कुछ दैट्स वाई कि वो माहौल नहीं मिल पा रहा था। खैर बात करते हैं भाई साहब डांस ऑफ द ड्रैगन, जिस चीज के लिए भाई इतने समय से वेट कर रहे थे। सीजन 1 जब एंडिंग हुआ था उसकी, तो ढेरों लोगों ने अपनी अपनी इमेजिनेशन, अपनी अपनी प्रिडिक्शन सेट करी होंगी, थ्योरी सेट करी होंगी कि भाई क्या क्या हमें मिलने वाला है आखिर। क्योंकि ड्रैगन्स की फाइट, वन एक तरफा ड्रैगन की फाइट हम गेम ऑफ थ्रोन्स में देख कर आ चुके थे, लेकिन एक्साइटमेंट इस चीज के लिए था कि ड्रैगन जब लड़ेंगे तो भाई क्या होगा। और एक नहीं, दो नहीं भाई साहब, ढेरों ड्रैगन। ग्रीन के पास अलग ड्रैगन की आर्मी है एंड ब्लैक्स के पास अलग ड्रैगन की आर्मी है। इट मींस ये कि रेनिरिया टारगेरियन के पास अच्छे खासे ड्रैगन्स उसके पास हैं, देन उसके बाद अपने ये जो एमंड एंड एगोन टारगेरियन फैमिली है उसके पास भी अच्छे खासे ड्रैगन्स हैं। और भाई इस चीज के लिए लगातार वेट कर रहे थे पिछले एपिसोड 3 तक, बस एक यही चाह रहे थे कि भाई झलकी मिल जाए, कुछ तो ऐसा मिल जाए ड्रैगन से रिलेटेड। भाई क्यों इतने ड्रैगन रखे तुमने, क्या चूतिया काट रहे हो? मतलब एपिसोड 3 तक इन लोगों ने बस कहानी खींचने का काम करा था। हाँ, फर्स्ट एपिसोड जो था वो रिलेटेबल एंड रीजनेबल लग रहा था, उसके बाद जो सेकंड एपिसोड आया उसमें जो थर्ड एपिसोड की कहानी थी उसे कंजस्टेड कर सकते थे, इजीली दिखा सकते थे। भाई वर्ल्ड प्लॉटिंग, कहानी को प्लॉट करना भी जरूरी है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे खींचने वाला, भाई मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि यार ये हाउस ऑफ द ड्रैगन ही चल रहा है ना, जिसके लिए हम एक साल से वेट कर रहे थे, जो भाई एक एक चीज के लिए कि यार आखिर क्या मिलने वाला है। क्योंकि लास्ट में वागार ने जो कांड किया था लुसेरिस वलेरियन एंड उसके ड्रैगन को मारकर, भाई यहाँ से पूरी आग धधक चुकी थी कि यार अब हमें देखने को मिलेगा, अभी भी वॉर देखने को मिलेगी। बाबा वो समय आ गया क्योंकि उसका ग्लिम्स, फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल गया एपिसोड 4 के एंडिंग में। भाई जो ड्रैगन वॉर होता है, वागार जो भाई अनबीटेबल है, अनडिफीटेड है, वो ऐसे ड्रैगन के सामने भिड़ा, वो ऐसे राइडर के सामने भिड़ा जो फुल एक्सपीरियंस ही है। भाई रेनीज ऐसे बहुत से बैटल वो लड़ चुकी है, रेनीज ऐसे बहुत से फ्लाई कर चुकी है, वो जो रेनीज का ड्रैगन है और वो उन दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत पुरानी केमिस्ट्री है, मैलीज के साथ जो वॉर किया है उसने, उसे मालूम है कि भाई अब वो लास्ट समय आ चुका है। और वो आँखों में देखने को मिल रहा था उसकी आँखों में कि ये लास्ट फाइट है, लेकिन लास्ट फाइट भी ऐसे लड़ना है कि यादगार रहे ये फाइट। और यस, ये यादगार रही है, इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा, वो उस हिसाब से वो सेट करी गई थी। भाई सामने वागार था, रेनीज के पास मौका था कि वो जा सकती थी, लेकिन देन उसके बाद वो सडनली फिर वापस आती है कि भाई सबक तो सिखा के जाना है, जिस चीज के लिए आए हैं भाई वो सबक सिखा के जाना है। क्योंकि ये जो चिलकौंदे से जो लौंडे हैं 16-17 साल के, ये समझते हैं कि ड्रैगन से वॉर करना कोई आम बात है, मामूली बात है, लेकिन रेनीज ने भाई यहाँ पर एक लेसन दिया है, जबरदस्त लेसन दिया है। जहाँ पर एगोन को तो वो पहले ही मार गिराती है, एगोन जो अपना कॉन्करर है, और वो उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, आई थिंक मर ही चुका है, मर जाएगा तो और भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि एमन टारगेरियन और एगोन टारगेरियन इन दोनों भाई भाई में अनबन होती दिखी थी लास्ट एपिसोड 3 के एंडिंग में, जहां पर एगोन टारगेरियन वो जाता है एंड देन प्रोस्टिट्यूट के साथ एमन टारगेरियन मिलता है और उसकी बहुत खिल्ली उड़ाता है अपने ये जो अंगरक्षक हैं उनके साथ। दैट्स वाई कि एमन को वहां पर भाई साहब अब दिल में ठेस पहुंच चुकी है। जो काउंसिल पर एक बार मीटिंग होती है और वहां पर एक इनर, मतलब अपनी एमन और दो सर क्रिस्टन कोल जो अपना हैंड है, जो अपना मेन कमांडर है, उन दोनों की अलग प्लानिंग चल रही है कि भाई साहब हम पहले उस कासल पे अटैक करेंगे, देन हम उसके बाद हैरन हॉल पर अटैक करेंगे, क्योंकि हैरन हॉल पर अटैक करने के बाद उनका रिवरलैंड का भारी भरकम पार्ट उनके हिस्से में आ जाएगा। लेकिन हैरन हॉल पर हमारा डायमंड टारगेरियन पहले से ही इस्टेब्लिश है और वो अपनी एक नई सेना बना रहा है सारे हैरन हॉल को, लॉर्ड्स को इकट्ठा करके, तो वो अलग चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन बाबा डायमंड टारगेरियन एक अलग वॉर लड़ने जा रहा है, ये यार जमते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हम इसे रेनेरिया टारगेरियन के साथ देखना चाहते हैं और कुछ नहीं।
लेकिन भाई उसके नाइटमेयर्स हैं जो उसको रियलाइज करा रहे हैं कि तू रनेरिया से जो वादा कर रखा है वो अब तू उन वादों पे खरा उतर नहीं रहा है। लेकिन वागार के सामने सिर्फ एक ही बंदा सीख सकता है डायमंड टारगेरियन का काराकस ड्रैगन, क्योंकि एक डायमंड टारगेरियन ही है जो एमंड को हैंडल कर जाएगा, एक काराकस ड्रैगन ही है जो वागार की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो रेनीस का जो मेलीज ड्रैगन है, मेलीज आई थिंक मुझे ढंग से नाम क्लियर हो नहीं रहा है, तो कुछ हो तो जरूर नीचे बता के जाना। बाकी भाई इस ड्रैगन ने भी वागार की अच्छी खासी धज्जियां उड़ा के रख दी थी, वागार की भी एक बार के लिए जान आफत में आ गई थी कि बाबा अब क्या होने वाला है भाई, इतने ऊपर से गिरा देना। क्योंकि मेलीज का मेलीज जो है भाई साइज में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वागार बहुत बड़ा है, डबल है साइज में मेलीज ड्रैगन के, लेकिन फिर भी भाई मजा आ गया यार। इस चीज के लिए वेट कर रहे थे, इसके लिए दिल से वेट कर रहे थे मोहब्बत यार, वो दिल मतलब जिस चीज के लिए वेट करो ना इतनी बेसब्री से और वो मिल जाए उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने इमेजिन किया हो भाई मजा आ जाएगा, मजा आता ही है। और वो आया है भाई एपिसोड 4, जिसने देखा है भाई दिल लूट के लेके गया है ये एपिसोड 4। अभी एपिसोड 5 है, 6 है, देन उसके बाद और है। अभी तो ड्रैगन वॉर ही देखने को मिली, क्योंकि ड्रैगन सब वॉर पर कूद चुके हैं और एमोंड अब अपना कूद चुका है भाई वॉर पे, तो भाई और ड्रैगन को अब आना ही आना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी एपिसोड 5 के लिए वेट है, मंडे का वेट है भाई, अब बेसब्री से वेट है मंडे का, दिल से। आप लोगों को इतना ही नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बारिश का माहौल चल रहा है भाई, पानी जहाँ तहाँ भरा पड़ा है, तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम घर से बाहर ही निकले, और खासकर जब मौसम खराब हो तो ना ही निकले तो ही बढ़िया है, घर पे रहो, बढ़िया रहो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जय हिंद।